के राय दुर्गम इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हैदराबाद के राय दुर्गम इलाके में बने फ्लाईओवर पर 104 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही कार 55 फीट नीचे सड़क पर जा गिरी। हादसे में एक राहगीर महिला की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह एक तेज गति से चल रही लाल रंग की कार नीचे भी सड़क पर आ गिरती है। कार के गिरने से वहां के आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। घटना शनिवार की है। हादसे के कई वीडियो भी सामने आए हैं, इसमें कार रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिरती दिखाई दे रही है। हैदराबाद के DSP वेंकटेश राव ने कहा कि कार 104 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी। हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई, इस कारण फ्लाईओवर 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। हैदराबाद के मेयर ने मृत महिला के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है, साथ ही हादसे में घायल लोगों के इलाज करवाने की बात कही है। पुलिस ने इस हादसे को लेकर केस दर्ज कर लिया है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।